हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद जो है चैनल पे हैरियर आई है, लानी पड़ी भाई हैरियर। अगर कोई टाटा लवर हो तो भाई अपना बेशक वीडियो मत देखना। आज जो है टाटा हैरियर भाई ये फर्स्ट लोट वाली है, 2019 मॉडल नवंबर, मतलब एक तरह से भाई 3 साल हो चुके, मतलब वारंटी से तो ऊपर जा चुकी। इस गाड़ी से मैं हो चुका हूँ बिल्कुल पूरा का पूरा परेशान। कैसे परेशान हो रखा हूँ आज मैं, इसमें जो मेरी दिक्कत आ रही है गाड़ी में स्टार्टिंग से भी और अब भी जो दिक्कत शुरू हो रखी है वो सारी आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आज जो है मतलब हम इसको कैसे रिपेयर करें वो तो मैं आराम आराम से चैनल पे वीडियोस लेके आऊँगा कि मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर रहा हूँ। आज जो है मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है सारी वो बताने वाला हूँ, और कौन कौन दिक्कत इसमें, मतलब जो डीलर हैं हमारे उनका मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, पर भाई जिनसे करा रहा हूँ मैं चंडीगढ़ ही कराता था, मतलब इसकी मैंने अभी ये चली है 43,000 के राउंड कुछ चली है, जिसमें मैंने फर्स्ट सर्विस यहाँ रोहतक की कराई थी और बाकी की जो है सारी मेरी चंडीगढ़ होती थी। आज है भाई 28 जनवरी और आज ही के दिन आप ये वीडियो फिलहाल देखने लग रहे हो, मैं शाम को जैसे 8:30 बजे डालता हूँ। 27 जनवरी यानी कल इसको मैं भाई चंडीगढ़ से लेके आया हूँ। अब कैसे लेके आया हूँ ना, बस यूँ मान लो वो मेरे को ही पता है क्या क्या दिक्कतों का सामना हुआ वो भी बताता हूँ, और फिलहाल गाड़ी में दिक्कत क्या शुरू हो रखी है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली दिक्कत भाई ये पानी जो है गाड़ी में, पानी कैसे घुसा हुआ है ये, और ऐसा नहीं है भाई ये देख लो ऊपर तक मैट तक भरा हुआ है इसमें पूरी, मतलब यूँ मान लो अगर कोई चूहा हो तो चूहे के लिए पूरा बड़ा स्विमिंग पूल है ये, चूहा आराम से तैर लेगा इतना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ पीछे भी जो है वो शुरू हो रखा है, आप ये देखोगे ना मतलब बुलबुले से यहाँ पे थोड़े उठे हुए हैं, आगे ज्यादा है पीछे फिर भी थोड़ा कम है, और उस साइड कुछ नहीं है, उस साइड सूखा हुआ है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई ये पानी आ कहाँ से रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे इंजन में मतलब कोई मेरी जो गाड़ी है वो कहीं पानी में खड़ी हुई हो, मतलब पानी में मैंने तैरा दी हो गाड़ी, भाई बिल्कुल जो प्रॉपर शेड वाली पार्किंग होती है वहाँ खड़ी होती है, तो वहाँ पे पानी का तो मतलब ही नहीं है। और बारिश भी जब आ रही थी चंडीगढ़ में तो ऐसा भी है मेरी विंडो खुली थी, और अगर विंडो खुली हुई होती भाई तो सीटों पे भी गिरता, यहाँ पे भी गिरता, हर जगह पानी गिरता, पर ऐसा वो भी कुछ नहीं था। इंजन दिखा देता हूँ, तो भाई ये देख लो ये इंजन कहीं से कोई भी ना तो पानी का मतलब नामोनिशान है, मतलब कहीं पानी का कुछ नहीं है। अब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भाई पानी कहाँ से आ रहा है। कल मैं भाई चंडीगढ़ से चल रहा था भाई, मैंने कई दिनों में एक हफ्ते बाद गाड़ी चलाई थी, मतलब स्टार्ट करी थी हमने, उस टाइम पे क्या हुआ ये बार वो आप देखो, अभी जो मेरा नीचे पानी भरा हुआ है ना ये इतना, ये देखो मेरे जूते तैरने लग रहे हैं मेरे जूते फिलहाल इसमें, तो देख लो मैं जब गाड़ी भी चला रहा हूँ तो कैसे चला रहा हूँ, तैरने लग रहे हैं जूते। देख लिया भाई कैसे पानी उसमें ऐसे भरा हुआ था और कैसे वो नीचे नीचे टपकने लग रहा था जब गाड़ी चल रही थी। मैं जैसे पैर भी रख रहा हूँ तो मेरे पैर पूरे डूब रहे इसमें, ये देख लो। चलो ये बात ठीक है, अब मैं करता हूँ गाड़ी को इग्निशन में डालता हूँ एक बार। गाड़ी चल चुकी है मेरी 43,551 जो कि मैं जैसे चंडीगढ़ से भी आया था कल। अब मैं जब कल आने लग रहा था भाई, एक तो ये इसमें इंजन की ये इंजन लाइट आई हुई है, ये मतलब मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक बार, ये देखो ये लाइट आ रखी है इसमें इंजन की। चलो ठीक है भाई, वैसे इसकी सर्विस अभी ड्यू नहीं है, मतलब ओवर ड्यू नहीं है, 45,000 पे इसकी सर्विस होनी है गाड़ी की, तो अभी भी मतलब 2,000-1,500 मतलब 1500 किलोमीटर जो है अभी भी रहते हैं। और भाई ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती कि 1500 किलोमीटर पहले ही इंजन लाइट आ जाए। सर्विस की लाइट होती तो भाई वो सर्विस क्या थी, पर इंजन की लाइट है, क्यों आ रही है इंजन की लाइट, ये बात है सोचने की। चलो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई इसके साउंड सिस्टम की। जिसके पास टाटा हैरियर होगी उसको पता है भाई ये स्क्रीन चलती कम है रुकती ज़्यादा है, जी हाँ ये चलती कम है रुकती ज़्यादा है, कैसे वो बता देता हूँ। इसमें लैग देखना, अब इसका जैसे साउंड सिस्टम है ना ये देख लो, अब दिक्कत क्या है चला दिया मैंने ये, वैसे इस पे कॉपीराइट नहीं आता, आवाज़ फुल कर रखी है, कोई भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही, मतलब यूँ मान लो मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे आया हूँ कोई भी बिना गाने सुने आया हूँ मैं, मतलब यूँ मान लो 250 किलोमीटर पड़ जाता है भाई चंडीगढ़ से रोहतक बिना गाने सुने आया हूँ, बिल्कुल बोर कहते ना। इधर क्लिप देखो आप
मैं कैसे आया और क्या क्या दिक्कत आ रही थी मेरे साथ उसमें। तो अभी फिलहाल ये जीटी रोड ही है, मतलब अंबाला से इस तरफ आया हूँ मैं, कुरुक्षेत्र की साइड। अभी चली भी 72 किलोमीटर है। अब बताता हूँ भाई इसमें दिक्कत क्या है। ये इंडिकेशन तो देख लो अभी भी यूं क्यों है, इंडिकेशन भी है पर जो क्रूज कंट्रोल है ना इसमें वो भी नहीं लग रहा। अब भाई आपको जो इस साइड से भाई नॉर्थ साइड से मतलब जो आसपास यहाँ हरियाणा का है, जिसको जीटी रोड का पता है भाई, यहाँ स्पीड वाले बहुत होते हैं खड़े, जो इंटरसेप्टर होता है। तो अगर हमारी जो स्पीड है ये फिलहाल तो अब 95 गई, अब ये जान बार बार जा भी रही है भाई मेरे से, तो सही बता दो ना 90 से ऊपर, वैसे तो इसकी 90 की है स्पीड लिमिट। तो क्रूज कंट्रोल भाई बहुत मदद करता है, मैं क्रूज कंट्रोल पे 90 सेट कर देता फिर मेरे को बार बार रेस पे पंजा दबाना ही नहीं पड़ता और स्पीड वालों से भी बचता। अब क्या हो रहा है, अब जैसे इंजन की लाइट आई हुई है ना, अब मैं जब भी ये देख लो इसको मैं ऐसे बटन दबा रहा हूँ क्रूज कंट्रोल ऑन ही नहीं हो रहा। 35 के ऊपर टाटा हैरियर में जो क्रूज कंट्रोल है वो एक्टिवेट होता है, पर देख लो भाई वो भी नहीं हो रहा। तो भाई अब इतनी दिक्कत आ रही है गाड़ी में, मतलब यूं मान लो परेशानी हो चुका, वो भी बिना गाने हो रही है क्योंकि भाई जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी नहीं चल रहा। और अब बोलने में तो बढ़िया लगता है कि मैं ईयरफोन्स लगा के गाने सुन लूं, पर अगर ईयरफोन्स लगा लूंगा तो जो साइड से कोई हॉर्न मारेगा या कोई बाई चांस कुछ बोलता है तो वो समझ में नहीं आएगा ट्रैफिक वगैरह। तो एक तरह से बहुत बोरिंग ड्राइव है भाई। एक नई दिक्कत शुरू हुई है, क्या दिक्कत शुरू हुई है अभी मैं 2 मिनट से देख रहा हूँ। एक तो इसमें नई इंडिकेशन आ गई है सर्विस ड्यू की इंडिकेशन आ गई यार। देखना मैं इको मोड लगा रहा हूँ ना, इको मोड ही नहीं लग रहा, पर मेरे को उस टाइम पे यूं लग रहा था कि मेरे ख्याल से गाड़ी में फ्यूल कम है इसलिए जो है इको मोड स्पोर्ट्स मोड नहीं लग रहे। फिर भाई मैंने आधा टैंक करवाया, मैं चलो इसमें मैं डीजल भी डलवा लेता हूँ पता चल जाएगा। अब जो है इसमें अब भी इको मोड स्पोर्ट्स मोड कुछ भी मोड नहीं लग रहे। जैसे इस गाड़ी में जो है भाई रफ मोड भी आता है, ये देखो ये रफ मोड वेट मोड कुछ भी नहीं आ रहा, और ये तीनों लाइट ऑन हो रखी है और पहले कभी ये तीनों लाइट ऑन नहीं होती थी। देख लिया भाई आपने जैसे वो कौन सी इंजन लाइट आ गई थी, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं उसका मतलब भी क्या है। मतलब नहीं नहीं एक दो बार ऐसे आ रहा था इसमें MID में, मतलब मैं कैमरा ऑन करता था इतने में हट जाती थी कि माल फंक्शन कुछ आ रहा था, लिखा कॉन्टेक्ट यूर सर्विस सेंटर ऐसे ऐसे अपने नियरेस्ट सेंटर पे ले जाओ ऐसे कुछ लिखा आ रहा था वो, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, और इतना शायद जरूरी ना भी हो इसलिए चला भी गया होगा। खड़ी खड़ी गाड़ी में भी ये तो आ ही जाता था कि क्रूज कंट्रोल ऑन हो चुका, हालांकि लगता तो हैरियर में 35 की स्पीड से ऊपर है, पर फिर भी क्रूज कंट्रोल मैंने ये ऑन कर दिया। आ रहा है आगे कुछ भी नहीं आ रहा। अब कोई यूं कहेगा भाई प्रेस करके रखो ना, तो प्रेस करके रख रहा हूं, नहीं आ रहा अभी कोई भी आवाज नहीं आ रही। मतलब यूं मान लो वो होता है ना कि भाई जैसे रेडियो में चिर 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 यूं आवाज आती है, वो भी नहीं आ रही इन स्पीकरों में से। मतलब लग ही नहीं रहा कि गाड़ी के अंदर स्पीकर भी है या नहीं है, कुछ भी नहीं बज रहे भाई इसमें। अच्छा ये तो ठीक है, होता क्या है अगर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले कनेक्ट करते हम। अब देखो जैसे मैंने इसमें एप्पल कार प्ले लगा दिया भाई, कल मेरे साथ क्या हो रहा था भाई, कोई भी फोन आए मेरा फोन तो हो गया इससे कनेक्ट, मेरे को पता ही ना चले मेरा फोन बज रहा है क्योंकि इसमें साउंड में आवाज तो आ नहीं रही कि आपका फोन बज रहा है। और जब फोन इससे ब्लूटूथ या उससे कनेक्ट होता है तो आपका फोन कभी भी नहीं दिखता, और भाई साइलेंट फोन तो मतलब ही नहीं, और जनरल वाला भी जो है फोन इसमें नहीं बजता। तो एक ये दिक्कत इसमें आई, चलो वो भी ठीक है। अब मैं इसमें जैसे इसमें आता है ना इको मोड या स्पोर्ट्स मोड या रफ मोड वगैरह जो इसमें होती हैं, वो सारे मोड हम जब इसमें चेंज करते हैं तो हमेशा वो आता था जैसे इको मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड। कैसे, अब जैसे ये इको मोड पे भाई फिलहाल, अब मैं इसको करता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, पावर मोड जो है बस ये टन ऐसी आवाज आती है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहा कि स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, बस ये टन ऐसी आवाज आ रही है। और मेरे को नहीं, मेरे ख्याल से इन्हीं में से कहीं से आवाज आ रही होगी, इन्हीं में से तो मेरे को लग ही नहीं रहा आवाज आ रही है क्योंकि भाई इसमें से कुछ भी आवाज नहीं आ रही। उसके बाद अब आप यूं कहोगे, कमेंट करोगे कि दक्ष भाई आप इसको है ना रीसेट कर देते, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई मेरा मतलब इसमें कनेक्ट नेक्स्ट करके, जैसे ये जो टाटा मोटर से देती है ड्राइव नेक्स्ट करके, मैंने इसको इतनी बार जो है रीसेट कर चुका, 3 बार मैं रीसेट कर चुका पूरे के पूरे सिस्टम को, मतलब किलोमीटर क्या सब कुछ इसमें जीरो हो जाता था। कहते हो एक बार मैं ऑन कैमरा फिर करके दिखा देता हूँ भाई आपको, अभी देख लो कोई आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ से करके देख लूँ
यहाँ से करके देख लूँ। यहाँ से मैं इसको म्यूट करूँ तो म्यूट हो जाता है, पर म्यूट अनम्यूट फिलहाल एक ही बात हो रखी है, सिस्टम सेटअप रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स, यस ड्राइव नेक्स्ट रीसेट कंप्लीटेड, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी अब रीसेट हो चुकी है, रीसेट होने लग रही है। और अभी अगले दिन भाई मैं सुबह 9:30 बजे इसको शूट करने लग रहा हूँ। फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट, प्लीज टर्न इग्निशन ऑफ टू ऑन। अब मैं इसको पहले ऑफ करता हूँ, ये खिड़की खोल देता हूँ एक बार ऐसे ताकि वो बंद हो जाए। अब मैं इसको करूँगा वापस स्टार्ट, होगी गाड़ी स्टार्ट, हो गया पूरा का पूरा ये रीसेट। अब मेरे को मेरा जो मानना है इसमें किलोमीटर्स भी रीसेट हो गए होंगे, ये देख लो 280 किलोमीटर कुछ चले हुए थे, क्योंकि भाई चंडीगढ़ इतना ही पड़ता है मेरे घर से कुछ, तो ये 0-0 सब कुछ हो गया ठीक है। उसके बाद भाई अब मैंने अब दिखा दिया पूरा रीसेट हो चुका, साउंड डेमो ये चला दिया, आ रही है कोई आवाज? नहीं आ रही कोई आवाज, देख लो। और अब जैसे म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा ना, कई बार होता क्या है यूं कह देते हैं भाई क्या पता चूहों ने वायर काट रखी हो, तो भाई पहले बता देता हूँ इस हम जहाँ रहते हैं भाई पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी नहीं होती हमारी, मतलब सोसाइटी है भाई और गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, किसी की गाड़ी में दिक्कत नहीं है कि चूहा घुस रहा हो। दिखा देता हूँ भाई, मतलब मैंने प्रॉपर देखा था, वीडियो तो मैं जब बना रहा हूँ जब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं यार ये बात तो आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि टाटा में ये क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी में। ये देख लो कोई भी सिंगल वायर भी कहीं से नहीं कट रखी कि भाई पानी मतलब वायर कट रखी होगी इसलिए जो है साउंड सिस्टम नहीं चल रहा। चलो ये भी ठीक है भाई, वो तो अब आने वाली वीडियो में पता चलेगा इसमें क्या दिक्कत आई। अगली बात शुरू करते हैं भाई इस गाड़ी की, मैं क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है मैं टाटा पे नाम दे रहा हूँ, मैं उस डीलर पे नाम दे रहा हूँ, और मैं डीलर का नाम नहीं बताना चाहूँगा भाई। जो इसकी विंडशील्ड है ना भाई, एक दो बार मैं इसको बदलवा चुका हूँ, अब मेरे को नहीं पता इसकी विंडशील्ड कौन सी क्वालिटी है क्या है भाई। अब फिर क्रैक आ गया खड़ी गाड़ी के, ये देख लो, और दो बार मैं इसकी विंडशील्ड बदलवा चुका, और ऐसा नहीं है बाहर से बदलवाई है, इंश्योरेंस मतलब क्लेम लिया था कि भाई इसकी विंडशील्ड बदल दो। कैसे बदली है वो दिखा देता हूँ, मतलब सफाई देखना उनकी, ये देखो इस साइड, और ये विंडशील्ड है ना, अब जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अंदर से भी आवाज़ आती है, ये देखना अब ये हिलने लग रही, ये देखना अभी, ये देखो कितना गैप आ रहा है इसमें। कौन कह देगी ये विंडशील्ड मैंने कंपनी से लगवाई है, ऐसी तो विंडशील्ड मैं शायद घर पे भी लगा दूंगा। ये देखना कितनी हिल रही है, अब यूं मत कहना कि भाई इसमें से भी पानी जा रहा होगा, पानी जाने की जगह नहीं है ये, सफाई देखो मतलब क्या सफाई कर रखी है इन्होंने। ये देखो भाई अब तो मैं फिलहाल दिखाने के लिए टायर पे चढ़ गया, ये सफाई है भाई इनकी, ये देखो ये यहाँ से निकल रखी एक जगह से, तो ये टेप अंदर की तरफ गई हुई है ये देखो, और एक तरफ ये बाहर आ जाती है, पता नहीं कैमरे में ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर भाई जो ढंग से देख रहा है ना वीडियो को वो समझ जाएगा भाई गाड़ी में दिक्कत क्या है। ये देखना गाड़ी में जब भी नॉर्मल चेकअप पे जाती है, सर्विस पे जाती है ना, लेकर वो जो है मेरे शीशे पे अपने स्टिकर लगा देते हैं भाई। नाम छुपा दिया भाई मैंने, नाम नहीं दिखाना चाहता मैं, चंडीगढ़ में ही है ये, ऐसे करके मतलब इतना बड़ा जो है पूरा का पूरा स्टिकर लगा देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई मैं अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगाऊं। भाई क्यों लगाऊं मैं तुम्हारा स्टिकर, जब भाई अगर कोई ओनर नहीं चाहता कि उनकी गाड़ी पे स्टिकर लगाओ। अच्छा ऐसा नहीं है कि एक बार कहो भाई, कई बार कहा था फिर भी जो है ये हमेशा लगा देते हैं, और काम इनका बिल्कुल बढ़िया नहीं है भाई। सर्विस में क्या करते हैं, पॉलिश की भर देते हैं गाड़ी, इंटीरियर हो गया, और मेरे को नहीं पता भाई वो कौन सी क्वालिटी की तो इनकी पॉलिश होती है, वो मतलब चिपक 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 चिपक, मतलब क्या बताऊं यार। कंपनी में मतलब सर्विस तो ड्यू हो ही रखी है, अब सर्विस इंजन लाइट आ रखी है भाई 3 साल की है, 1,00,000 किलोमीटर की, तो 3 साल भाई मेरे पूरे हो चुके हैं, तो अभी मान लो जो होएगा खर्चा बनेगा इसका, फ्री में कुछ नहीं होने वाला। विंडशील्ड है भाई, अब मैं क्या करूँ इसका, मेरे को नहीं पता ये कौन सी क्वालिटी की विंडशील्ड है भाई इस पे, मतलब भाई मेरे पास यही है गाड़ी नहीं है, उनकी विंडशील्ड कभी नहीं टूटी भाई मेरी, वरना है भाई इतनी रनिंग है उसकी, हाईवे रनिंग है भाई, मैं ड्रैग रेस करता हूँ, इतनी चीजें करता हूँ, आज तक उसकी विंडशील्ड पे इतने छोटे छोटे पत्थर लगे हैं, कभी भी जो विंडशील्ड है वो टूटी नहीं है, चटक आवाज भी नहीं आई है इसकी तो, मतलब मेरे को नहीं पता इससे पहले जो लगी थी भाई वो हाईवे पे लगी थी, इतना सा पत्थर लगा था नाम नाम का,
पूरी विंडशील्ड पे क्रैक आ गया था। अगर काम बढ़िया करो ना, स्टिकर दो स्टिकर लगा के घूमूंगा। जो अरे भाई साफ भी कर लो उसको, वैक्यूम से अच्छे से कर लो, हमेशा मैं बाहर से धुलवा के लानी पड़ती है बाद में। फिर पॉलिश इंटीरियर भर देते हैं भाई पूरा का पूरा। 10 में से भाई 3 नंबर दूंगा या 4 नंबर दूंगा बिल्कुल। इंजन लाइट तो आई रखी है, अब बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। और जैसे इसमें झटके झुटके लगते ना, जैसे कोई ब्रेकर में हो, तो नीचे से आवाज आ रही है, मतलब पानी ऐसे ऐसे इसमें अंदर अंदर झूलने लग रहा। कैमरे में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, मैंने देख रहा था मैं, पर कैमरे में नहीं समझ में आए। लहर सी नहीं उठती, ऐसा सा आवाज आ रही है नीचे से इस साइड, मतलब ये जो पिलर है ना यहाँ से 2000 से ऊपर जो आरपीएम जाता है ना उसमें, देखना कैसी आवाज आती है, सिटी जैसी सी आवाज आती है देखना। और भाई अभी गाड़ी चली कितनी है, 43,552 चली है। ये तो कुछ भी नहीं होता यार गाड़ी, ये छोड़ो साल भी तो अभी, मतलब 3 साल ही तो हुए हैं गाड़ी को लिए, 3 साल में इतनी सारी दिक्कत आ रही है गाड़ियों में। और भाई एक इसमें एक दिक्कत और शुरू हो रखी है। दिक्कत क्या शुरू हो रखी है वो बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी मतलब जब पूरा ही साइड मुड़ रहा है ना, आवाज वाइब्रेशन बढ़ रही है थोड़ी, जैसे आरपीएम उठ जाता है। एक बार देखना मेरा बिल्कुल बस ब्रेक पे पैर है, और ब्रेक का भी मैं हैंड ब्रेक दबा देता हूँ, ये अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मेरा पैर पीछे है देख लो बिल्कुल, और आरपीएम देखना अब, जैसे ही मैं हैंडल को मोड़ूंगा ना, आरपीएम मिल रहा है। और ऐसा नहीं है राइट राइट की साइड हो रहा है, अब मैं इसको लेफ्ट भी करूंगा ना, देखना अब हैंडल आरपीएम देखना। और आवाज सी आ रही है, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज आ रही है, बिल्कुल पिचकारी जैसी आवाज आ रही है इसमें। और पैर का तो देख ही लो क्या हो रखा है ये, मतलब बाहर भी इतनी ज्यादा आवाज आ रही है भाई, यूं लगता है जैसे ट्रक चलने लग रहा हो। मतलब फैमिली में ही है ना, पूछ रहे थे भाई आपके पास भी हैरियर है तो हैरियर ले ले। तो भाई मैं सही बता दूं ना, मेरे को मैंने यूं कहा था हैरियर मत लेना, क्योंकि भाई जब ओनर खुद, मतलब ऐसा नहीं भाई मेरी गाड़ी है तो मैं सिर्फ जो है इसकी वाह वाह करूंगा, बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा। अगर गाड़ी ली है तो भाई अगर उसमें बुराई है तो बुराई भी बतानी चाहिए, कि अगर आप में से कोई ले रहा तो उसको भी पता होना चाहिए कि भाई आगे फ्यूचर में ये दिक्कत आ सकती है भाई। और ऐसा नहीं है भाई, मेरे ख्याल से भाई मैं अपनी गाड़ियों की बहुत केयर करता हूँ, मतलब मेरे घर में ये एक अकेली गाड़ी नहीं है, और भी गाड़ी है। वीडियो आप चैनल पर देखते रहते हो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है भाई जिसका मैं जुलूस रखता हूँ कि ये तो ऐसे कर दिया वो कर दिया। बहुत केयर रखता हूँ भाई मैं अपनी गाड़ियों की, ये देख लो आवाज़ कैसी आ रही है। और ऐसा नहीं है भाई मेरी गाड़ी है, जो अब नई टाटा हैरियर आ रही है ना, मैंने थोड़े दिन पहले चैनल पे देखी होगी, डार्क एडिशन चलाई थी, रिवर्स कर लिया भाई मैंने, जैसे रिवर्स करके पीछे कर लिया, 1-2-3 करने लग रहे, वो बोले 1-2-3, मैंने डी पे कर रखी थी, डी पे मैंने पूरा पंजा दबाया, क्या हुआ होगा पीछे जाने लगी गाड़ी, डी पे पीछे जा रही है, मतलब वो गियर में इतना लैग है कि वो आर का डी नहीं हो रहा, अभी भी रिवर्स में ही गाड़ी जाने लग रही है। तो देख लो भाई ये दिक्कत है, अगर कोई टाटा में से देख रहा हो भाई, अगर गाड़ी की बिक्री और चाहते हो ना, हालांकि बिक रही है भाई गाड़ी, लुक्स में बिक रही है जो बिक रही है, पर भाई अगर ये कर लो तो थोड़ी गाड़ी जो है थोड़ी और अच्छी चल जाएगी। बाकी जो है इसकी आने वाली वीडियोस में भाई अब मेरे को बनानी ही पड़ेंगी कि भाई इसमें दिक्कत कैसे आ रही है। अब मैं जो है इसकी सर्विस भी रोहतक में जो है टाटा का शोरूम वहाँ से करवाने वाला हूँ, जो होगा एक्सपीरियंस आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये जो सारी प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं, तो कमेंट में अपने विचार जरूर देना कि भाई ये दिक्कत क्या है। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं तो ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई भी करेंगे। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना भाई। अगर कोई टाटा हैरियर लेना चाह रहा हो या ले रखी हो और ये दिक्कत आ रही हो तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जल्दी से भाई फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लिया करो, वहाँ पे मैं मतलब बताता रहता हूँ भाई अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी वीडियो आनी है, किस टाइम आनी है। टाइम का तो वैसे पता ही है, मतलब कौन सी वीडियो आनी है वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। और मेरे को पता है भाई वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ज़रूरी था भाई एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बतानी, क्योंकि भाई मतलब मैं मान लो आखिरी में परेशान हो गई ये वीडियो बनाने लग रहा था।